छेवीं क्लास के पहले विद्यार्थियों अज तुहाडा मैथ विषय का जिहड़ा बेसलाइन टैसट होया सीगा उसकी वीडियो सोल्यूशन समझा के भेज रहे हैं ता जो तुहाडी वधिया तरीके नाल तैयारी भी हो सके तुहानू पता भी लग सके कि तुहाडी कीड़ी कीड़ी गलती हुई होएगी ते उसनू किवें ठीक किया जा सकता सीगा। खाली स्थान विच उचित संख्या भरो पहला क्वेश्चन सीगा, क्वेश्चन ध्यान समझना है। साडा पहला क्वेश्चन सीगा 6554 इज इक्वल टू 6000 प्लस खाली थां 50 जमा 4। हुण तुसीं देखो 6 दा बंदा है 6000 क्योंकि 6 तो बाद 1 2 3 अक्खर ने, फिर उस तो बाद 5 दा बंदा है 1 2 500। समझो ध्यान नाल, 6 तो बाद 3 अक्खर सीगा 6000 बन गया, फिर 5 तो बाद 2 अक्खर सी ये बन गए 500, फिर 50 ते 4 इहदा मतलब साडा आंसर किन्ना आएगा 500 आएगा, ऑप्शन नंबर बी। ते पहले दा साडा ऑप्शन आ गया है बी ऑप्शन। दूजा क्वेश्चन देखो, 5 6 1 दे विच्चों 2 7 8 नू माइनस करना है बेटा। जो घटाओ कर दिया तो 1 दे विच्चों 8 नहीं जा सकता, इतों हासिल लवेंगे 1 दे बन गए 11 ते 6 दे बन गया 5, 11 चो 8 गए 3 आ गया। हुण 5 चो 7 नहीं कटने ते 5 ने इतों हासिल लिया बन गया 15, इत्थे रह गया 4 है ना, 15 चो 7 गए 8, 4 चो 2 गए 2, साडा आंसर आ गया 283 जो कि साडा ऑप्शन नंबर सी है। तो दूजे क्वेश्चन का साडे कोल ऑप्शन नंबर सी आ गया, उम्मीद है समझ आई होगी। तीजे क्वेश्चन वल चलते हैं, तीजा क्वेश्चन सीगा साडे कोल 347 नू 58 नाल गुणा करना। 8 दा बड़ा पढ़ते हैं, 8 7 56, 6 उपर 5, 8 4 32 ते 5 37, 7 3 8 3 24, 25 26 27 घट गया निशान, 7 5 35, 5 उपर हो गए 3, 5 4 20 ते 3 23, 3 2, 5 3 15 ते 2 17, ते इनू गुणा करके साडे कोल 6 2 1 1 0 1 20 126 आंसर आ रहा है, जिहदा मतलब तीजे क्वेश्चन दा साडा ऑप्शन नंबर आ गया जी डी, उम्मीद है समझ आ रहा है। चौथा क्वेश्चन साडे कोल देखो किहड़ा आ गया, 848 नू 8 नाल भाग करना है। इत्थे बच्चे बहुत गलतियां करते बेटा, देखो 8 1 8 बकाया कुछ नहीं, उपरों उतार लिया 4, हुण 8 दे बड़े ते बेटा 4 नहीं आउंदा ते 4 तो छोटा नंबर आंदा 0, 8 0 दा 0, ये बच्चे नहीं लिखते। बकाया 4 उपरों उतार लिया 8, 8 6 48, कई बच्चों ने 16 नूं टिक किया होगा बेटा, आंसर आना 106, इहदा मतलब चौथे क्वेश्चन का ए ऑप्शन आना सीगा तुहाडा। ठीक है जी, 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, पंजवें क्वेश्चन पर चलते हैं। कहिंदे कि किसान कोल 714 किलो अनाज है, जेकर 17 बोरियां विच बराबर बराबर अनाज भरना होवे तां दसो कि हरेक बोरी विच किन्ने किलो अनाज आवेगा। अ फार्मर हैज़ 714 kg ऑफ ग्रेन, इफ ही हैज़ टू फिल द ग्रेन इन 17 बैग्स, तो कुछ नहीं करना आपां 714 नूं 17 नाल भाग कर देनी है। 714 नूं 17 नाल भाग करन जा रहे, 17 1 17 17 2 34, 17 3 51, 17 4 68, बकाया बच के 3 उपर उतार लिया 4, 17 2 34, यदा मतलब 42 42 किलो सानू पाना होएगा। आ देखो जी सी ऑप्शन 42 आ गया ना साडे कोल, ते पंजवें क्वेश्चन दा ऑप्शन नंबर सी होएगा। 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके ने, छेवें क्वेश्चन च देखते हैं। जेकर एक वड्डे डब्बे विच 67 अंब हन तो दसो कि 33 डब्बियां विच किन्ने होणगे, किन्ना सौखा बेटा जी। छेवां क्वेश्चन, एक डब्बे च 67 तो 33 डब्बियां दे विच की करांगे, 33 नूं 67 नाल गुणा कर देंगे है ना, तो 67 नूं 33 नाल गुणा किया, 7 3 21, 1 2 6 3 18 ते 2 20 गुणा, फिर वही गुणा करती 201 दी, तो साडे कोल आंसर आ गया जी 22 1 1 22 1 1, मतलब बी ऑप्शन। छेवें दा साडे कोल ऑप्शन आ गया बी। पहले 6 क्वेश्चन साडे कंप्लीटली सॉल्व हो चुके ने, जिहदे विच असीं दस्या तुहानू किस तरह क्वेश्चन सॉल्व होने सीगे। सत्तवें क्वेश्चन पर चलते हैं बेटा, सत्तवां क्वेश्चन देखो की कह रहे हैं, 17/10 दशमलव रूप देना है। सानू पता है 1 0 दा मतलब 1 दे पिछे दशमलव, 1.7 ते 1.7 साडे कोल है जी डी ऑप्शन। सत्तवें क्वेश्चन दा साडे कोल आ गया डी ऑप्शन। 7 क्वेश्चन कंप्लीट, हुण आपां 8वें क्वेश्चन पर चलते हैं। लो जी 8वां क्वेश्चन आ गया जी साडे कोल, 23.8 दे विच 8.25, इत्थे भी बच्चे गलती कर जांदे, दशमलव दे थले दशमलव ही लिखना हुंदा है,
तो इस गल का ध्यान रखियो। दशमलव तो बाद जो दो अक्खर ने तो यह मतलब इतने जीरो ला देनी है, इतने जीरो खाने पूरे कर देने होंगे। पाँच जमा जोड़ करना है, पाँच आ गया, अठ तो दस, जीरो उपर एक हासिल चला गया, अठ तीन ग्यारह, एक बारह, दो उपर एक आ गया, तो तीन 32.05। यदा मतलब सत्तवें क्वेश्चन का साढ़े को आंसर आ गया जी सी ऑप्शन, सत्तवें नहीं सॉरी अठवें का, सत्त हो चुके थे अपने, अठवें क्वेश्चन का सी ऑप्शन आ गया। नौवें क्वेश्चन पर पहुँच गया, हेठ लिखिया विचों किहड़ा 24 का एक गुणनखंड है, 24 किहदे पाड़े ते आउंदा है, 5 दे पाड़े ते ना, 16 दे पाड़े ते नहीं, 24 दे पाड़े ते तां आउंदा ही है, इहदा मतलब 24 ही उसका फैक्टर होएगा। इहदा मतलब सी ऑप्शन, बिना कुछ किते आपां नौवें दा सी ऑप्शन दसता तुहानूं। दसवें च कहिंदा खाली स्थान भरो, नौवां हो चुका है जी, दसवें ते पहुँच गए। 9076 नूं ग्राम नूं केजी च बदलना सी, तुहानूं पता है कि ग्राम नूं जे केजी च बदलना होवे तां 3 दे पिछे दशमलव लगदा है, इहदा मतलब 9076 डी ऑप्शन दसवें दा। लो जी, अठवां नौवां दसवां भी तुहाडा कंप्लीट हो चुका है। हुण आपां 11वें क्वेश्चन वल मूव करदे हां। विकास ने 1 किलो अंब 34.40 रुपये च खरीदे, जेकर उसने दुकानदार को 50 रुपये दिते, दुकानदार किन्ने पैसे वापस करूँगा? देखो, जिन्ने पैसे तुसी दुकानदार नूं दिते, 50 रुपये, दशमलव ला के अगे 2 जीरो लगा देनी होंदी है, रुपये नूं आपां दशमलव ला के 2 जीरो नाल दर्शाने हां, ते पैसे खर्चने किन्ने सी? 34 रुपये ते 40 पैसे खर्चने सीगे, दुकानदार वापस कितना करूँगा, घटाओ करांगे, जीरो दा जीरो लग गया, जीरो ने हासिल लिया 10 बन गया, दसम चार गए 6, ठीक है जी। जो हासिल लिया सी इत्थे बन गया 4, इत्थे बन गया 9, 9 चो 4 गए 5, ते 15.60 रुपये तुहानू दुकानदार ने वापस करने से। 11वें क्वेश्चन का तुहाडा आंसर आ गया जी बी ऑप्शन। लो जी, 12वें क्वेश्चन ते पहुँच गए। अनिल ने जमैट्री बॉक्स लई 9 रुपये अते पेंसिल दे डब्बे लई 9 रुपये दुकानदार नू दिते, तां अनिल वल्लों खर्च कीती कुल रकम दा मतलब टोटल अमाउंट स्पेंट बाय द अनिल मीनस जोड़ करना है। 12वें क्वेश्चन दे विच उहने 44.80 रुपये एक दिते, ते 52.50 रुपये एक दिते, 0, 13.5 उपर 1, 4, 5, 6, 7 ते 97.30 रुपये दा उहने खर्चा कीता, ते 12वें क्वेश्चन दा ए ऑप्शन आ गया। लो जी, 12 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके ने, 13वें क्वेश्चन में चलते हैं। 13वां क्वेश्चन कहता है कि दिते चित्र विच रंगे हुए भाग का प्रतिशत, बेटा देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 टोटल 9 डब्बे भरे ने, 1, 2, 3, 4, 5 भरे ने, प्रतिशत पता करने लिए की करते हैं 100 नाल गुणा, आंसर आ गया 500/9। हुण भाग करनी पैनी है, 500 नूं 9 नाल भाग कीती, 9, 5, 45 बचे, फिर 50, फिर 9, 5, 45 फिर बचे 5, मतलब 55 तो शुरू होनी चाहिए है, साडा ऑप्शन ही ए आ रहा है 13वें क्वेश्चन का ऑप्शन ए। लो जी, 14वां क्वेश्चन पहुँच गया जी। दित्ती हुई आकृति 14वें क्वेश्चन के विच कहिंदा है दित्ती आकृति का परिमाप, परिमाप तो सारे नूं पता है 2 ब्रैकेट के विच लंबाई जमा चौड़ाई होंदा है, 2 ब्रैकेट च लंबाई हैगी 8, चौड़ाई हैगी 3, 2 × 11 = 22 आना सी बेटा, याद रखियो ए 3 ते ए भी 3, 8 ते 8, इस तरीके मैंने कर सकते सीगे 3 + 3 = 8 = 8 तां भी तुहाडा 22 ही आंसर आना सीगा। कुछ बच्चों ने 24 आंसर लाया होएगा, पर ये परिमाप कढ़ना सी, खेत्रफल नहीं बेटा, इहदा मतलब साडे कोल 14वें क्वेश्चन का ए ऑप्शन आया। लो जी, 15वें क्वेश्चन नूं देखदे आपां। अवतार ने एक कहानी का 3/13 भाग, तो प्रीति ने 5/13 भाग लिखा, अवतार ने 3/13 तो प्रीति ने 5/13 भाग के लिखा, तो कुल भाग कितना होया टूगैदर 5 ते 3 = 8/13। बहुत ही सौखा क्वेश्चन सीगा, 15वें क्वेश्चन का बी आंसर आ गया अपने को। तो इस तरह साढ़े 15 क्वेश्चन जड़े बेटा एग्जाम के आए थे, जिन्होंने तुम्हें बहुत ही सिंपल ढंग समझाने की कोशिश की है, कॉपी ते लिख के दस्या है, तुसी भी अपनी कॉपियां दे उत्ते इन्हां क्वेश्चन नूं लिखदे होए नाल नाल इन्हां दे सोल्यूशनज़ नूं करके ऑप्शन नूं टिक करो, तां जो इन फ्यूचर ते जे कोई क्वेश्चन तुहानूं आउंदा है तां तुहानूं करना आ जावे। ते जेकर मेरी वीडियो वधिया लगी होवे जरूर लाइक करो, वध तो वध शेयर करो बेटे इस वीडियो नूं, ताकि सारे बच्चों नूं इस बेसलाइन टैसट बारे पता लग सके कि उन्हां दे किहड़ियां गलतियां होईयां, ते इन फ्यूचर वो गलतियां दोहराउण ना।
ते जेकर तुहानू तुसी मेरे स्टडी ग्रुप दे विच ऐड होना चाहते हो वट्सअप ग्रुप दे विच, जिहदे विच फ्री ऑफ कोर्स स्टडी कराई जाती है छेवीं क्लास की, उस वास्ते तुसी इस नंबर ते मैनू अपना स्कूल का नाम अपनी क्लास लिख के मैसेज कर सकते हो ते मैं तुहानू ग्रुप दे विच ऐड कर लूँगा, जिस विच हर रोज़ तुहानू अपनी सिलेबस रिगार्डिंग होमवर्क भेजा जाता है। किताब के सारी बुक के सिलेबस की वीडियोज़ अवेलेबल ने मेरे चैनल पर, तुसी उत्थे जाके भी विजिट कर सकते हो।